الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر أو كما قال صلى الله عليه وسلم قابل قدر معزز سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله کی بڑی مہربانی اس کا شکر کہ ہم سب کو اپنے دربار میں حاضری کی توفیق دی. مساجد جب بند تھے تو لوگوں کے دلوں کا جو جذبہ تھا واقعتاً بہت ہی قدر اور احترام کے لائق تھا کہ لوگ پریشان تھے, جو بھی ملنے والے ملتے, کبھی راستے میں, کبھی گھر میں, کبھی فون سے بات ہوتی تو پہلا سوال یہی ہوتا کہ حضرت مسجد کب کھلے گی, ہم کب نماز کو مسجد میں آئیں گے. سب کی فکریں رہی ہیں. اللہ پاک سے ہم سب مل کر اس طور پر مانگیں, دعا کریں کہ دوبارہ پھر سے یہ نوبت نہ آئیں. اللہ تعالی تا قیام قیامت اپنے گھروں کو ہمیشہ کھلا اور آباد فرمائیں. اس کے لیے مجھے اور آپ کو ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم جب تک ہوش و حواس کے ساتھ ہوں گے کوئی نماز ضائع ہونے نہیں دیں گے. ہم جہاں ہوں گے وہاں جو قریبی مسجد ہوگی اس مسجد میں جا کر اپنی نماز ادا کریں گے.
खास तौर पर फज्र की और इशा की नमाज अपने महलों में आराम से पढ़ सकते हैं। जोहर, असर और मगरिब, कारोबार, मुलाजमत, सफर वगैरह की वजह से आदमी बाहर हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, लेकिन रात को तो मगरिब के बाद घर पहुंच ही जाता है। तो इशा की नमाज भी कोशिश करें कि अपने महल्ले की मस्जिद में अदा करें, और फज्र में तो हर शख्स अपने घर में होता है, तो पूरी इस बात की कोशिश हो कि हम मस्जिद में जमात के साथ अपनी नमाज अदा करेंगे। इंशाअल्लाह हम इरादा करें। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, एक किताब में एक वाकया लिखा है जिसका मैं लंबा वाकया है, सिर्फ मुख्तसर आपकी खिदमत में वो बात अर्ज कर रहा हूं कि एक बुजुर्ग का एक गांव में जाना हुआ तो देखा कि मस्जिद वैरान पड़ी है, ना अजान देने वाला कोई है, ना नमाज पढ़ाने वाला कोई है, और गर्दो गुबार, आलूदगी, मैल कुचैल से मस्जिद भरी पड़ी है। तो उन बुजुर्ग ने अपने हाथ से मस्जिद की सफाई की, और अजान का जब वक्त हो रहा था तो उन्होंने अजान कही, तो अजान की लोग सुनकर लोग महल्ले वाले मस्जिद आए, देखा कि इतने दिनों के बाद किसने अजान कही है, ताज्जुब के लिए। तो उन बुजुर्ग ने जो बात कही वो यही बात है कि जब मस्जिद को नमाजों से, जिक्र से, तिलावत से, इबादात से आबाद रखते हैं तो मस्जिद आबाद रखने वालों के लिए दुआ देती है कि ऐ अल्लाह, जिसने मुझे आबाद रखा तो उसको भी आबाद रख। और जब मस्जिद जिक्र से, तिलावत से, नमाज से, इबादात से खाली और वैरान हो जाती है तो मस्जिद जैसे दुआ देती है, मस्जिद वैसे ही बददुआ करती है कि ऐ अल्लाह, जिसने मुझे वैरान किया, बर्बाद किया, बेआबाद किया, तू भी उसके साथ वैसा ही मामला कर। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मालूम नहीं होता कि किसको किसकी बद्दुआ लगी, और आदमी परेशान, हैरान और सारी तकालीफ, मुसीबतों में घिरा पड़ता है, लेकिन एहसास भी नहीं होता कि वो आया मस्जिद की बद्दुआ है या किसी और बदअमल की नहुसत है। बहरहाल, जब मस्जिदें बंद थी तो लोगों का जज्बा मुबारक, अब जब मस्जिदें खुल गईं, बास जगहों में गैर यानी हुकूमत की इजाजत और ऐलान के पहले ही मस्जिदें खुल गईं तो वहां भी देखा गया, और जब बाकायदा ऐलान हो चुका है वहां भी देखा गया। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है, वही जिन लोगों को वाकियतन नमाज से ताल्लुक है, जिनको वाकियतन नमाज से वालिहाना शगफ है, वही लोग नमाज को आते हैं। बाकी जो आम लोग हैं, जिनके कानों पर अजान की आवाज पड़ती है लेकिन वो टस से मस नहीं होते हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपसे एक दरख्वास्त पेश कर रहा हूं। अजान की आवाज सुनकर हमारे दिल में एक दर्द पैदा होता है, फिक्र पैदा होती है, अल्लाह हमको मस्जिद आने की तौफीक दे दे। मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूं कि जब हम चाहे अपने घर से निकलें, चाहे अपनी दुकान से निकलें, चाहे हम जहां भी हों, और हमें अजान की आवाज सुनकर मस्जिद आने का जब हमने इरादा कर लिया, तो चलते हुए
घर से निकलते हुए, दुकान से निकलते हुए, कारखाने, जिस जगह से भी हम निकलेंगे, हम अपने इर्द गिर्द देखें। अगर हमारा कोई भाई अल्लाह का बंदा, वो अगर गफलत में है, वो नमाज के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो हम उसे प्यार से, हिकमत से ये कहें कि भाई अजान हो गई है, मैं भी नमाज को जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ चलिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हर आदमी अगर ये इरादा कर ले कि मैं एक आदमी को अपने साथ जरूर इसकी दावत दूंगा, तो फिर इंशाअल्लाह हम मायूस ना हो। हमने एक मर्तबा बुलाया, उसने, हम इतने बड़े आदमी तो नहीं है कि एक मर्तबा उसको देखकर बुलाते ही वो हमारी आवाज पर आ जाए, आ जाए तो बहुत अच्छा, और अगर वो नहीं आ रहा है तो हम मायूस ना हो और उसको दावत देना ना छोड़ें। एक मर्तबा, दो मर्तबा, सह मर्तबा, चार मर्तबा, पांच मर्तबा, एक दिन, दो दिन, हम नाराज भी ना हो, मायूस भी ना हो, उसको दावत देते रहें। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह हमारी बात जो हमने कानों तक पहुंचाई है उसके दिल में उतार दे, और फिर जब वो नमाजी बन जाएगा, जितनी नमाजें वो पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उस नेक अमल का सवाब, अज्र हमें भी मिलेगा। हम घर से निकलते हैं फजर की वक्त, तो हमारे घर में अपने मस्तूरात होती हैं, मर्द हजरात होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हम पहले से अगर कोई ये अमल कर रहा है तो वाकईतन वो मुबारकबादी के लायक है, और अगर किसी वजह से नहीं हो रहा है तो आज हम इरादा कर लें कि अपने घर में जरूर अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने माँ बहन को, अपने घर में जो भी मर्द हजरात हैं, अगर वो किसी वजह से नहीं उठ रहे हैं नमाज को, तो हम उसको बेदार करें, मायूस ना हो, नाराज ना हो, और हम मुसलसल मेहनत करें। नमाज ही ऐसी चीज है जो इंसान की दुनिया में भी आखिरत में भी काम आने वाली है। आज हमारी जिंदगियों नमाज से बड़ी दूर होती चले जा रही है, अल्लाह माफ फरमाए। अब मस्जिदें खुल गई हैं तो लोग चूंकि एक लंबे अरसे से, लॉकडाउन के इस लंबे अरसे से, सवा साल तकरीबन जो गुजरा है, तो इसमें चूंकि अपने घरों में, अपनी दुकान में, अपने कारखाने में, जहां जैसे हो, चूंकि मस्जिदें बंद थी तो नमाज पढ़ रहे थे। अब जब मस्जिदें खुल गई हैं तो अब उसकी आदत पड़ गई है, अब अजान भी हो रही हो तो अब जमात की फिक्र नहीं हो रही है, मस्जिद की फिक्र नहीं। याद रखिए, घरों में नमाज पढ़ना, दुकानों में, जो लॉकडाउन में जो मसाइल थे वो मजबूरी और जरूरत की बुनियाद पर थे। जब हालात संवर रहे हैं, संभल रहे हैं, मसाजिद खुल गई हैं, उजर खत्म हो चुका है, मजबूरी नहीं है, इसके बावजूद अगर कोई घर में पढ़ रहा है, याद रखें सही तरीन रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अजान बिलाल को कहूं कि इकामत दें, और किसी को कहूं कि नमाज पढ़ाएं, और मैं कुछ नौजवानों को कहूं कि ईंधन, लकड़ियां जमा करें, और मैं उन घरों तक पहुंचूं जिन घर के लोग बिला उजर अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं। मेरा जी चाहता है कि मैं उनके घरों को आग लगा दूं। वो नबी जिनके बारे में अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद में साफ लफ्जों में फरमाया, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اے نبی ہم نے آپ کو پورے عالم والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے, آپ ہر شخص کے لیے رحیم ہیں, رحم کرنے والے ہیں, ایسے رحمت کے ساتھ مبعوث نبی कह रहे हैं कि जो लोग घरों में नमाज बिला उजर पढ़ ले उनके घरों को आग लगा दूं। इतनी सख्त वईद है।
तो जो नमाजें घरों में पढ़ रहे थे, दूसरी जगहों में पढ़ रहे थे, वो मजबूरी के मसाइल थे, वो उजर के हालात थे। अब जब उजर खत्म, मजबूरी खत्म, तो अब बिला उजर घरों में नमाज पढ़ने की आदत न डालें, वरना पैगंबर अलैहिस्सलाम की सख्त वईद के मुस्तहिक हो जाएंगे। बहरहाल नमाजों के सिलसिले में चाहे हम कहीं भी हों, अजान हो गई तो हम पहली फिक्र नमाज की अदायगी की करें, खास तौर पर मस्जिद में जाकर नमाज से पढ़ने की फिक्र करें। अल्लाह पाक मुझे आपको उम्मत के एक एक फर्द को पांचों नमाजें जमात के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाएं। मैंने खुतबे में सूरह फज्र की दो आयते करीमा और सुनन तिर्मिजी की हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु की रिवायत पढ़कर सुनाई। ये इस्लामी एतिबार से 11वां महीना चल रहा है, ज़िलक़ादा, ज़ुलक़ादा 11वां महीना है। इसके बाद 12वां महीना आएगा ज़िलहिज्जा, उसके बाद मुहर्रमुल हराम शुरू होगा। अब ये ज़िलक़ादा के गोया के बिल्कुल खत्म पर हैं। आज 27 तारीख है, हफ्ते के दिन 28 होगी, इतवार के दिन 29 होगी। एक मैसेज व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में वायरल हुआ, उसमें गलती से तारीख बजाय 10/11 लिखने के 10 लिख दिया गया, और वही मैसेज सब फॉरवर्ड हो रहा है कि 10 तारीख तक फला अमल कर लिया जाए। तो अभी हम उसकी वजाहत करेंगे कि आज 27 है चांद की, कल 28 है और इतवार को 29 है। चूंकि इससे पहले जो दो महीने थे वो लगातार 30 का महीना आ गया, और आम तौर पर ये देखा गया, आप भी अंदाजा लगाएं कि जब दो महीना लगातार 30 का आता है तो तीसरा महीना आम तौर पर 29 का होता है। इसलिए गालिब गुमान यह है कि आने वाला ये महीना 29 का हो, तो इतवार के दिन मगरिब के बाद बहुत मुमकिन है कि चांद नजर आ जाए। तो मगरिब से चांद नजर आ जाने की सूरत में ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह फज्र के अंदर बहुत सारी चीजों की कस्में खाई, उसमें से दूसरे नंबर पर जो कसम खाई है वल फज्र, नमाज फज्र की कसम खाई है। फिर आगे फरमाया वल यालिन अश्र, 10 रातों की कसम खाई। जुम्हूर मुफस्सिरीन कहते हैं कि 10 रातों से मुराद ज़िलहिज्जा की 10 रातें हैं। ये जो ज़िलहिज्जा अब शुरू होगा, इतवार के दिन अगर शाम को चांद नजर आ जाए तो वो पहली रात होगी, वो वहां से 10 तारीख की रात तक 10 दिनों की रातें अल्लाह ने इन रातों की कसम खाई है। इससे पहले भी ये बात आ चुकी है कि आदमी उसी चीज की कसम खाता है जिसकी अहमियत होती है, और अल्लाह ताला अपनी बात को समझाने के लिए कसम खा नहीं रहे हैं, बल्कि कसम जो खिलाई जा रही है वो उस चीज की लोगों के दरमियान अहमियत है कि भाई इन 10 रातों की कसम। तो ये 10 रात मोहतम बिशान हैं, अजमत वाले हैं, एहतराम वाले हैं, हुरमत वाले हैं। इन 10 रातों में जो इबादत की जाए, इन 10 दिनों में जो इबादत की जाए, वो अल्लाह ताला को बहुत पसंदीदा है। मैंने सुनन तिर्मिजी की जो रिवायत पढ़ी, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु रावी हैं, कहते हैं मा मिन अय्यामिन अहब्बु इलल्लाहि अन युतअब्बद लहू मिन अशरी ज़िलहिज्जा। ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में जो इबादत अल्लाह की जाती है, कोई भी इबादत, नमाज हो, जिक्र हो, तिलावत हो, तस्बीहात हो, सदकात हो, इबादत नेक काम जो भी है, इन 10 दिनों में जो इबादत की जाती है अल्लाह को
और दिनों में जितनी इबादत होती है वो उतनी पसंदीदा नहीं है जितनी इन 10 दिनों में इबादत पसंदीदा है। फिर आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी वजाहत फरमाई, या अदिलु सियाम कुल यौम मिन्हा सियाम सनतिन। याद रखें पैगंबर फरमाते हैं कि इन 10 दिनों के एक एक रोजा, 10 जिलहिज्जा को तो ईद के दिन तो रोजा रखना हराम है, बाकी जो 9 दिन है 1 से अरफे के दिन तक 9 दिन जो है, एक दिन का रोजा अल्लाह पाक 1 साल रोजा रखने के बराबर सवाब देंगे। फिर आगे हुजूर ने फरमाया, वो क़ियामुल कुल्ली लैलति मिन्हा, इन 10 रातों में से एक एक रात अगर कोई आदमी जागकर इबादत करे तो उसका सवाब ऐसा है जैसे बिक़ियामि लैलतिल क़द्री, शबे कद्र में आदमी जागकर इबादत करने पर जितना सवाब मिलेगा उतना सवाब इन 10 रातों में इबादत करने पर मिलता है। तो ये रातें भी बड़ी मुबारक हैं, ये दिन भी बड़े अजमत वाले हैं, इसलिए पूरी कोशिश हो, अगर कोई उजर नहीं है, कोई तकाजा नहीं है, सेहत अच्छी है, तो इन नफिल रोजों के जरिए से हम अपने नामे आमाल को नेकियों से भर लें और हमारे रोजों में, फर्ज रोजों में जो कमी रह जाती है वो इन नफिल रोजों के जरिए से अल्लाह पाक उसकी तकमील फरमाएंगे, उसको कमी को दूर फरमाएंगे। ये जो ज़िलहिज्जा इतवार के दिन अगर चांद नजर आ जाए शाम को तो शुरू होता है, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसका कुर्बानी करने का इरादा हो और वो ज़िलहिज्जा का चांद देख ले तो उसको चाहिए कि वो अपने नाखून और बाल उस वक्त तक ना काटे जब तक कि वो अपनी कुर्बानी ना करे। एक मुस्तहब अमल है, ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना कोई खास जरूरी ऐसा नहीं है, एक मुस्तहब अमल है। तो अगर इस अमल पर अमल करेंगे तो मुमकिन है, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह पाक पैगंबर की इस तालीम हुक्म और उनके इस सबक पर अमल करने की वजह से हम सबको नेकियां और अजर अता फरमाएं। असल में चूंकि हाजी लोग जब अहराम बांध लेते हैं तो उनको नाखून काटने की इजाजत नहीं होती, सर के बाल कतरने की इजाजत नहीं होती, उनके लिए पाबंदियां होती है, तो गोया के जो लोग नहीं गए हैं उनके लिए एक मिसाल है, नमूना है, ताकि अल्लाह ताला की जात हम पर मुतवज्जे हों। तो इसलिए इस पर हम मजबूरी है, उजर है, तकाजा है, तो उसका मसला अलग है, अगर कोई उजर नहीं है तो इस पर जरूर हम अमल करें ताकि हम अजर व सवाब को पाने वाले बने। इसके अलावा और भी ज़िलहिज्जा के अहकामात हैं, और 3 काम हैं, इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। बहरहाल हमें इस बात का एहतिमाम करना चाहिए कि अब मस्जिदें खुल गई हैं, बाजार खुल गए हैं, दुकानें कारखाने सब खुल गई हैं, इसलिए हरगिज ऐसा ना हो कि हम गफलत के शिकार हो जाएं, हम बद एहतियाती करने लगें, ऐसा हरगिज ना हो। एहतियात को जरूर अपनाएं, असबाब को अपनाएं, हुकूमत की तरफ से जो सेहत के मुतालिक जो कवानीन हैं, जो गाइडलाइन हैं, उसको हम जरूर अपनाएं कि जहां भीड़ भाड़ की जगह हो वहां जाने से बचें, अगर मजबूरी है जाना हो रहा है तो मास्क लगाकर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का हम पूरा उसको जो है अपनाएं, मसाजिद में भी इसका एहतिमाम करें, बाजार में भी करें, घर से बाहर आदमी पहली फुर्सत में घर से बाहर ना निकले, और अगर किसी मजबूरी और तकाजे पर निकलना है तो एहतियात जरूर अपनाएं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अब तो कुछ भी नहीं है, जैसे हम लोग कहते हैं ये खोलकर छोड़ दिए अब आजाद हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आदमी चूंकि आप सब जानते हैं कि मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है और हमको खौफ और हिरास में डाला जा रहा है, हमको जो है अंदर से बेचैन और बेकरार करने की कोशिश की जा रही है कि थर्ड वे आ रहा है और उसमें ये नुकसान होने वाला है, उसमें इतना इफेक्ट होने वाला है, ये सब एक हालात हैं।
तो इसके लिए अब मस्जिदें खुल गई हैं, तो हम अल्लाह से इस तरीके से हम लो लगाएं, ताल्लुक पैदा करें कि अल्लाह पाक आइंदा आई हुई मुसीबतों से और आइंदा किसी भी तरह की मुसीबत से हम सबकी हिफाजत फरमाएं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।